बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे स्केचअप के अंदर लेयर्स को, बेसिकली के लेयर्स हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेयर का विंडो चाहिए, तो आपने बेसिकली विंडो पे क्लिक करना है और उसके बाद लेयर्स पे क्लिक कर देना, तो आपके पास लेयर। अभी राइट नाउ हमारे पास लेयर्स नहीं है, तो लेयर बनाने का तरीका ये प्लस और माइनस है। लाइक कोई भी लेयर है, जैसे आप यहाँ पे मैं रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने लगा हूँ, तो रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के नाम से मैंने लेयर बना दी। अब बेसिकली ये जो आइकन है स्केयर में आपके पास चेक लगा हुआ है, ये बेसिकली विजिबिलिटी कंट्रोल करता है ये कलर्स को। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लेयर होती है वो लेयर ज़ीरो होती है, ठीक है। ये ना डिलीट हो सकती है, ना रिमूव हो सकती है, ना इससे आप नाम चेंज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट लेयर है स्केचअप के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट यानी एक लेयर है जो प्रीसेट है कि ये ना इसी सॉफ्टवेयर के साथ बनी हुई आती है, आपने नहीं। अब तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया बेसिकली। अभी मैं कोई भी काम करता हूँ, लाइक मैंने जैसे ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दिया और इसको प्रेस पुल कर दिया, ठीक है। तो मैं ये वाली जो लेयर है, अब इसको बेसिकली ये जो है ये बेसिकली लेयर वन में बना है, क्यों, ये जो रेडियल है बेसिकली वो यहाँ पर लेयर वन के लेयर ज़ीरो के ऊपर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ ड्रॉ हुई है वो लेयर। अब जैसे मैं रेक्टेंगल को एक्टिव करता हूँ, ठीक है, और मैं ये विजिबिलिटी को ऑफ़ कर देता हूँ लेयर ज़ीरो की, तो देखें ये रेक्टेंगल ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज कि ये रॉन्ग लेयर पे बना है, बेसिकली हमें रेक्टेंगल पे बनाना है। तो जब भी आपने कोई भी, अभी जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्कल्स, सर्कल के नाम से एक लेयर मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब मैं सर्कल को ड्रॉ करने से पहले इस रेडियल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने सर्कल ड्रॉ करने से पहले, अब मैं अगर लेयर वन को एक्टिवेट करता हूँ और सर्कल की लेयर को ऑफ़ करता हूँ, तो ये ठीक है, मैंने इस पर किया, तो इसको अनविजिबल कर दें। इसी तरह से आप बेसिकली जो लेयर्स अभी बेसिकली रेक्टेंगल की लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं और लेयर ज़ीरो के अंदर हैं, ठीक है, तो मैं सर्कल की लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से राइट क्लिक बेसिकली यहाँ पे आके, और इसको मैं यहाँ पे देखें सर्कल की लेयर पे क्लिक किया और ये माइनस यानी डिलीट लेयर का है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है लेयर डी कंटेनिंग फैसिलिटी, कि आप इसको डिफ़ॉल्ट लेयर पे जो ऑब्जेक्ट इसमें बने हुए हैं डिफ़ॉल्ट लेयर पे मूव करना चाहते हैं, या मूव कंटेंट करंट लेयर या डिलीट कंटेंट, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैंने आपको बताया कि जो चीज़ में है, किसी भी लेयर के अंदर कोई चीज़ ड्रॉ हुई है, वह आपको स्केचअप पॉपअप देगा या एक डायलॉग बॉक्स देगा, बताएगा कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसी तरह से अभी मैं किसी, अब जैसे मैंने रेक्टेंगल की लेयर, रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किए थे, मैंने अब ये गलत लेयर पे ड्रॉ कर दिए थे, तो मैं अब इनको बेसिकली किस तरह रेक्टेंगल की इसमें ला सकता हूँ, या लाइक मैं ये डिफ़ॉल्ट लेयर पे मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल के जितने भी फेसेस और एजेस हैं वो डिफ़ॉल्ट लेयर में यानी लेयर ज़ीरो के अंदर हैं, मैं उनको रेक्टेंगल की लेयर में लाना चाहता हूँ, तो वो एंटिटी इन्फो के थ्रू ला सकता हूँ, ठीक है। तो एंटिटी इन्फो पर आप आ जाएँ, आपने जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर ज़ीरो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लेयर रेक्टेंगल में चली जाए, ठीक है जी। इसी तरह से ये लेयर रेक्टेंगल में जा चुकी है, आप देख सकते हो, सेलेक्ट करें इसको एंटिटी इन्फो के अंदर, आप देखिए रेक्टेंगल के अंदर है, हिडन करेंगे तो हिडन हो जाएगी, बट व्यू अनहाइड करने के लिए आपके पास शिफ्ट एच है, ठीक है, सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल बेसिकली इसमें आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग बेसिकली लेयर ज़ीरो के अंदर, लेयर ज़ीरो को एक्टिवेट है, लेयर ज़ीरो के अंदर कोई भी ऐसी इनऑर्गेनिक शेप ड्रॉ कर देते हैं और इसको प्रेस पुल कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास लेयर ज़ीरो के अंदर है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को देखें, यहाँ पे जो कलर्स हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, सारे ऑब्जेक्ट्स आई ही नज़र आ रहे हैं, तो ये स्केचअप के अंदर बेसिकली आप इसकी सेटिंग्स में कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेयर के अंदर यहाँ पर एक डिटेल्स हैं, डिटेल्स के अंदर कलर बाय लेयर पे क्लिक करेंगे, तो जो जो लेयर्स बेसिकली कलर के हिसाब से हैं, तो आप देख सकते हो
तो ये कलर के हिसाब से जो रेक्टेंगल ड्रा हुआ है उसका कलर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रख देते हैं, आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, ओ ओ रेक्टेंगल का कलर आप थोड़ा सा इस तरह से सिलेक्ट करें। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लेयर के हिसाब से कंट्रोल हो रहे हैं। अभी मैं रेक्टेंगल के अंदर कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, तो ये बेसिकली लेयर रेक्टेंगल के अंदर बनी है। इसी तरह से मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर है। तो इसको लेके जाने का तरीका क्या है, सेलेक्ट करो, एंटिटी इन्फो पे जाएँ और यहाँ पे इसकी लेयर सर्कल कर दें, ठीक है, तो वो उसका आ जाएगा। तो सर्कल का हम कलर रेड कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया हो सके। तो कोई भी चीज़ कंट्रोल लेयर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लेयर्स यानी कल सॉरी कलर्स के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो लेयर कलर बाय लेयर करना है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेयर वन के अंदर है, मैं एंटिटी इन्फो के थ्रू इसको बेसिकली ये लेयर जीरो पे यहाँ पे मैं न्यू लेयर, यहाँ से जैसे पॉलीगॉन एक लेयर है जिस तरह से मैं पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने जाता हूँ, एक और लेयर बना देता हूँ स्टार की ज्योमेट्रिकल शेप्स के मुताबिक, ठीक है, और यहाँ पे स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो तीन लेयर्स हैं, लाइक लेयर जीरो, रेक्टेंगल और सर्कल, इनके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी पॉलीगॉन स्टार और स्केयर के अंदर नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि जो लेयर्स यूज़ में नहीं हैं, आप अगर इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो स्केचअप के अंदर बेसिकली पर्ज कर सकते हैं। तो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पर्ज के ऊपर क्लिक करोगे, तो देखें ये तीन लेयर्स जो है वो जो एक्टिव नहीं थी या जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे वो डिलीट हो गई हैं, बाकी जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे वो बेसिकली यहीं पे हैं। तो समराइज़ कर देता हूँ, यहाँ से आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं, न्यू लेयर्स बना सकते हैं। अच्छा, न्यू लेयर बनाने का एक और तरीका एंटिटी इन्फो भी है। सिंपली आपने एंटिटी इन्फो में जाना है, जैसे एंटिटी इन्फो नहीं सॉरी मॉडल इन्फो, नहीं, यहाँ पे आप बेसिकली एंटिटी इन्फो में आ जाएं, जैसे आप किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली जो अब डिसकंटिन्यू हो गया कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को लेके जा, वो अभी डिसकनेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली टेक्निक थी आपकी लेयर्स की, लेयर्स के अंदर हमने बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स को, आने वाले लेक्चर में। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, सी यू सून।